हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रो मोटर टॉक्स। और आज हम आए हुए हीरो के शोरूम पर। जो आज बाइक हमारे साथ है वो है हीरो की स्प्लेंडर। एंड इसके बारे में पूरी बात करते हैं, पूरे न्यू फीचर्स के बारे में बात करते हैं, न्यू अपडेट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये 2023 का नया मॉडल है जो कि ओबीडी 2 है। एंड इसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, और एक मेन चेंजेस है कि भाई ये अब आने लगी E20 फ्यूल सिस्टम के साथ आने लगी है। तो इसका पूरा वॉक अराउंड करते हैं, इसके पूरे डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। अगर फ्रंट से स्टार्ट करें तो यहाँ पर ब्लैक में मिल जाता है, और हीरो स्प्लेंडर प्लस की बैचिंग मिल जाती है। और कलर का अगर बात कर ले तो स्पोर्ट्स ब्लैक रेड कलर में ये आती है। एंड साइड में बात कर ले तो यहाँ पर हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो जहाँ पर आपको ऑरेंज कवर्स का मिल जाता है। एंड इंडिकेटर की बात कर ले तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। एंड नीचे की बात कर ले तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। एंड मड गार्ड की बात कर ले कि एकदम ब्लैक में मिल जाते हैं, एंड रिफ्लेक्टर्स मिल जाता है। नीचे बात कर ले तो आपको ग्रे में अलॉय मिल जाते हैं। अगर टायर सेक्शन की बात कर ले तो 100x80 सेक्शन का टायर मिल जाता है। सामने आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं जो कि 250mm के हैं। साइड प्रोफाइल की बात कर ले तो यहाँ पर आपको हीरो की बैचिंग मिल जाती है, और यहाँ पर ब्लैक विद स्पोर्ट्स रेड का कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ले तो यहाँ पर 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। थोड़ी नीचे बात कर ले तो यहाँ पर पावर स्टार्ट की बैचिंग मिल जाती है, FI इंजन मिल जाता है। एंड इस साइड आपको लेग गार्ड मिल जाते हैं। और इंजन की बात कर रहे थे, यहाँ पर 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर FI OBD2 इंजन मिल जाता है, जो अप्रॉक्स 97.6 cc का इंजन है। और अगर इसकी मैक्स पावर की बात कर ले तो ये 5.6 BHP की पावर प्रोड्यूस कर लेता है विथ 8.6 Nm का टॉर्क। एंड थोड़ी नीचे बात कर ले तो यहाँ पर कटिलिटी कन्वर्टर मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्रेक लीवर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ यहाँ किक भी प्रोवाइड करी गई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड जो ब्रेक की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ट्विन सिस्टम ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर क्रोम की पूरी एग्जॉस्ट गार्ड लगा दिया गया है। एग्जॉस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर पूरा मैट ब्लैक में दिखता है। साइड में आपको यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस की बैचिंग मिल जाती है, जो कि 2x2 स्टिकर्स में है। उनकी बात कर ले 5 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग टायर सस्पेंशन मिल जाते हैं। रेयर में अगर टायर सेक्शन की बात करें तो TVS का वही टायर मिल जाता है, जो कि 80x100 सेक्शन का टायर है। एंड साइड में आपको इंडिकेटर वही, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है। रेयर में बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको रेयर में बात कर ले तो हैलोजन टेल लाइट मिल जाती है, नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, ऊपर कैरियर मिल जाती है। अगर सीट की बात कर ले तो कुशन काफ़ी सही है। एंड अगर इस साइड की बात कर ले तो यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, फुटरेस्ट मिल जाता है, वही आपको 5 स्टेप्स एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है। एंड चैन सिस्टम यहाँ मिलता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर चैन कवर भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड अपना यहाँ पर 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर यहाँ पर मिल जाता है आपको, जो कि आपको स्टैंड लगाने पर ही गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी। एंड ये रहा पूरा इसका वर्क अराउंड। यहाँ पर आपका ट्विन स्पार्क सिस्टम दिया गया है, ये रहा आपका इग्निशन सिस्टम, ये रहा आपका फर्स्ट स्टार्ट। एंड ऊपर की बात कर ले तो वही पुराने जैसे आपका हैंडल बार दिया गया है। यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम हॉर्न इंडिकेटर्स, एंड यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट बटन दे दिया जाता है। क्यू ऑफ है तो क्यू में कुछ ज़्यादा खास नहीं, ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ पे ऑडोमीटर दिया गया है, साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है, फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है, न्यूट्रल गियर पोजीशन का आपका इंडिकेटर है, सर्विस इंडिकेटर है, एंड आपकी लाइट इंडिकेटर है। तो गाइस, ये रहा ऑल अबाउट इस बाइक की डिटेल्स। एंड अगर आपको इस बाइक की रिगार्डिंग कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। तो गाइस, अगर इस बाइक के बारे में कोई भी आपको क्वारी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड इस बाइक में आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, जो कि 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है। थोड़ा मिस हो गया था, मैं बता दें, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, जो भी काफ़ी सही है, अच्छा वर्क करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना फॉर न्यू अपडेट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।